हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्रश पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने बेबी गर्ल के लिए एनवेलप बनाना सीखा और आज के वीडियो में हम बेबी बॉय के लिए एनवेलप बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में बेबी गर्ल का एनवेलप हमने बनाया था, इस तरह था। आज हम बेबी बॉय के लिए एनवेलप बना रहे हैं। तो बेबी बॉय एनवेलप के लिए देखिए, सबसे पहले हमने कोई भी हमारा रफ पेपर ले लेना है, उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हमने बेबी ड्रेस का एक डिजाइन ड्रॉ करना है। देखिए, बहुत सिंपल है डिजाइन ड्रॉ करना, एकदम सिंपल वाला डिजाइन मैं बता रही हूँ। हाफ में फोल्ड इसलिए किया है ताकि हम एक साइड ड्रॉ करें तो दूसरे साइड भी हमारा डिजाइन आ जाए। अंदाजे से मैं ले रही हूँ बिल्कुल ही। अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है, अगर आपको ड्राइंग नहीं आ रही है बनानी बिल्कुल भी, अगर आप ड्राइंग नहीं बना सकते, इंटरनेट पे से आप प्रिंट आउट लीजिए और बना सकते हैं उसे। प्रिंट आउट की कटिंग कीजिए और रेडी हो जाएगा। देखिए, बहुत सिंपल ड्राइंग मैंने बताई है आपको, कुछ भी नहीं है इस ड्राइंग में वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रही है तो आप इंटरनेट पर से लेकर, ये देखिए सिंपल सा हमने एक बेबी का ड्रेस बनाया है, इसे हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए पूरा हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह का पीस हमारे पास में कटिंग होके आ जाएगा। अब जब से खोलेंगे हम तो देखिए छोटा सा बेबी का एक ड्रेस आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये हमारी मेन कटिंग आ गई। इस कटिंग को हम हमारे कार्डबोर्ड के ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे ताकि थोड़ी हमारी थिकनेस आ जाए। कैसा भी जो भी कार्डबोर्ड आपके पास में हो वो ले लीजिए। इस पर रखेंगे हम और शेप ड्रॉ करेंगे और कटिंग करके तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमारी शेप कार्डबोर्ड पर हमने कटिंग कर ली है बिल्कुल इसी तरह की। अब हमें करना क्या है, हमारी फोम शीट लेंगे, ग्लिटर शीट है, फोम ग्लिटर शीट पर हम इसे रखेंगे और इसे ड्रॉ करके कटिंग कर देंगे। देखिए, पेपर था इसलिए हमने थिक बोर्ड लिया है, थोड़ा सा कार्ड पेपर लिया है ताकि कड़क हमारे पास गत्ता आ जाए, ताकि शेप हमारी प्रॉपर आ जाए। कपड़े में जैसे पतले पेपर में जैसे फोल्ड होने के चांसेस रहते हैं तो शेप बिगड़े नहीं, इसलिए मैंने कार्डबोर्ड पे से ले लिया है, थोड़े से थिक पेपर पे, चार्ट पेपर पे भी आ ले सकते हैं, थोड़ा सा थिक पेपर चाहिए ताकि फोल्ड ना हो। ठीक है, ये शेप में रखने के बाद इसे हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, आपको इस तरह की ये एक शेप मिल जाएगी। क्योंकि ये बॉय के लिए हम बना रहे हैं तो हमने इसमें कुछ और भी डिफरेंट देना है ताकि लगे कि हाँ बॉय का एनवेलप है, ये बेबी बॉय का है। तो हम क्या करेंगे, छोटी सी एक टाई क्रिएट करते हैं। सेम, सबसे पहले हम रफ पेपर लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे पेपर को और एक हम टाई बनाएंगे यहाँ पर। देखिए सिंपल सी है टाई बनाने में, बहुत कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है कुछ भी टाई बनाने में। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट है, छोटा सा ट्रायंगल निकालना है हमने, बड़ा कॉर्नर निकाला हमने, आप देख रहे होंगे। और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, कटिंग करेंगे तो हमारी टाई हमें मिल जाएगी। ये देखिए, ये टाई हमारी छोटी सी टाई दिख रही है आपको, ये हमें मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, जैसे कि जो भी कलर है उसके अपोजिट कलर में हमने इसे कटिंग करना है। देखिए, जैसे मैंने रेड कलर ले लिया, हमने पर्पल लिया था यहाँ पर, ठीक है, तो साथ में रेड कलर का हमने पेपर लिया है, फैंसी कोई भी पेपर लीजिए, इस पर हम हमारी ये टाई रख लेंगे।
टाई रख के हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए बहुत बारीक बारीक है, थोड़ा मेहनत का काम है, पेशेंसली करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा ये बनके। और बनाना बहुत इजी है, देखिए मैंने आपको एकदम चीजों को इजी करके बताया है कि बनाने में बिल्कुल भी, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखिए ये हमारी टाई की शेप ड्रॉ हो गई, आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसे अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में ये देखिए छोटी सी टाई हमारे हाथ में आ गई है, कितनी सुंदर लग रही है। छोटी छोटी चीजें हैं, आप करेंगे तो आराम से होगी, धीरे धीरे करना है, एकदम इजीली और फिनिशिंग के साथ करना है। अब देखिए अब हम हमारी प्लेन शीट लेंगे, जो प्लेन येलो कलर की शीट देख रहे हैं आप, कोई भी कलर की आप एक प्लेन शीट लीजिए या थोड़ी फैंसी भी होगी तो चलेगी। मेरे पास जैसे इस तरह की प्लेन थी तो मैं ये यूज कर रही हूँ। इसके हम स्क्वायर कटिंग कर लेंगे, फोल्ड करके अंदाजे से ही, देखिए मैं स्क्वायर बना रही हूँ इसका। ठीक है, ये देखिए ये साइज अंदाजे से ही है, बिल्कुल हाफ है इसका जो शीट हमने ली उसका। ये देखिए इस तरह से हमने दो स्क्वायर इसके मिलेंगे, आप शीट फोल्ड करेंगे कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने दो स्क्वायर लेने हैं। इसकी हम नैपी बनाएंगे, देखिए एक छोटा स्क्वायर हमने ले लिया है, इसकी हम छोटे बच्चों की जो नैपी होती है वो क्रिएट करेंगे। बहुत सिंपल फोल्डिंग है नैपी की, ये देखिए इस तरह से हमने स्क्वायर बना लिया। इसके बाद में ये जो एक हिस्सा है उसे हमने इस तरह से खोल दिया, ट्रायंगल खोल के। ये देखिए ट्रायंगल खोल दिया, अब इसे उल्टा कर देंगे इस तरीके से, और जो ये वाला पेपर है इसे फोल्ड कर देंगे हम, और एक और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये हमारी नैपी तैयार हो गई है, इसे हम एक और फोल्ड दे देंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस कॉर्नर को पकड़कर हम इस तरफ ले आएंगे, और इस कॉर्नर को पकड़कर हम इस तरफ ले आएंगे। ये देखिए हमारी नैपी हो गई तैयार, इसे पूरे हम चिपका देंगे, थोड़ा थोड़ा ग्लू लेकर हम चिपका देंगे वरना ये खुल जाएगी। ये देखिए हल्का सा ग्लू लगा देंगे, अब यहां हम ग्लू लगा देंगे। साथ ही छोटा सा देखिए लेस का टुकड़ा है वो हम यहाँ पर बटन की तरह लगा देंगे। ये देखिए ये हमारी नैपी तैयार हो गई। इस तरह से हम दो नैपीज बना लेंगे, इस तरह की हम दो नैपी बनाएंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस बन गई है, नैपीज बन गई है, अब हम हमारा एनवलप रेडी करते हैं। सिंपल हैंडमेड पेपर जो मैंने लिया है, कलर चॉइस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और इसे हम थ्री फोल्ड कर देंगे। अंदाजे से इसका थ्री फोल्ड ले लेंगे, जैसे मैंने बेबी गर्ल के इसमें बताया था आपको उसी तरह से हमने बेबी बॉय का भी। ये देखिए अंदर की तरफ हम हमारे एनवलप को चिपका देंगे। पेपर आप अपनी मर्जी से, चॉइस से कैसा भी फैंसी पेपर ले सकते हैं। और सेंटर में हम हमारे एनवलप को चिपका देंगे। ये हमारा एनवलप रेडी हो गया। अब जो डेकोरेशन है वो हम इस तरीके से इसके ऊपर करेंगे।
सबसे पहले हम चीजें अरेंज करके देख लेंगे कैसी कौन सी चीज कहाँ अच्छी लग रही है। ये देखिए कुछ हम इस तरह से लगाते हैं, कुछ अलग लगेगा और सुंदर लगेगा। साइड में देखिए इस तरह से हमारे पास जो है लेस उसकी हम लाइन देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें, कुछ अलग। कैसी भी लेस ले सकते हैं आप, फैंसी कोई भी। और नहीं तो फ्रिल वाली लेस होती है, फ्रिल वाली लेस भी हम लगा सकते हैं। देखिए हमने पतले पतले दो टुकड़े आप देख रहे होंगे कटिंग किए हैं, इसे हम सीधे में लगा देते हैं। डेकोरेशन आप पर है, आप किसी भी तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं इस पर, अलग अलग तरह की चीजें लेसे लगाकर। ये देखिए हमने पतला सा बॉर्डर तैयार कर दिया है। अब इस पर हम हमारी ड्रेस, जो हमने बेबी बॉय के लिए बनाई है, नैपीस जो हमने बनाई है, वो हम सब इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। बहुत ज्यादा हमने कस के नहीं चिपकाना है, हल्का सा ग्लू लेना है और बस इसे सिंपल रख देना है। फिर भी हम अरे देखिए इसे हमने इसे चिपका दिया। अभी देखिए हमारा एनवेलप तैयार हो गया, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बेबी बॉय के लिए एनवलप तैयार किया है। एक एनवलप हमने बेबी गर्ल के लिए भी तैयार किया था, ये देखिए इसे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था बेबी गर्ल के लिए एनवलप तैयार करना, और ये वीडियो है बेबी बॉय के लिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।